हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। आज इस सेशन में मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए CDS 2 2024 का नोटिफिकेशन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का सेकंड एग्जाम। अप्रैल में पहला पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, बच्चे SSB की डेट सेलेक्ट करने में लगे हुए हैं और सेकंड साइकिल का एग्जाम बेटा आ गया है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, किस एज ग्रुप के बच्चे फॉल करते हैं, कौन कौन सी पढ़ाई की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, मेरे से पहली बार जुड़े हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि डिफेंस एग्जाम्स की जो भी अपडेट्स हैं, डिफेंस की चाहे रिक्रूटमेंट्स हो, चाहे SSB की कॉलअप्स हो, कुछ भी होता है, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिलती है। SSB का हमारा फ्री बैच भी चलता है, पेड बैच भी चलता है। अगर आप इस वीडियो को, ऐसे बच्चे हैं जिनका SSB है कोई भी, मेरे को DM कर देना, मैं पर्सनल नंबर यहाँ पे हर बार बच्चों को देता हूँ अपना। सबसे पहले मैं शुरुआत उसी चीज़ से करूँगा कि सब बच्चों के पास मेरा नंबर होना चाहिए। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो ये रहा तुम्हारे भाई का नंबर। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो अपने फ़ोन में और मुझे एक बार हेलो कर देना, हेलो शिवम भैया, मेरा नाम ये है और मेरा SSB ये है, फ्री बैच का एक्सेस ले लेना मेरे से। अगली बात, नोटिफिकेशन पे वापस आता हूँ। तो नोटिफिकेशन पे प्यारे बच्चों, अगर मैं वापस आऊँ तो थोड़ा सा इसको मैं करूँगा जूम, ठीक है। जूम करने के बाद एक एक चीज़ में बड़े प्यार से समझाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, कट टू कट सारी चीज़ों पे बारे में हम बात करने वाले हैं। और इसको मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये मेरा नंबर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, 7017587044। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना, कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बताना, पर्सनल नंबर पे रीच आउट करके भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, एलिजिबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है, भैया ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन मत लेना। चलो अब ये देखो, सबसे बड़ी बात जो है, आज है कितनी तारीख, 15 मई। 15 मई को क्या हो गया, नोटिफिकेशन आउट। कब तक फॉर्म भरा जाएगा, 4 जून तक। 4 जून को शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने भरना है, जिन जिन बच्चों को CDS देना है, अभी कौन से बच्चे दे सकते हैं CDS, यहीं से चालू करता हूं। जो बच्चे फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, अगर आपकी 3 साल की डिग्री कोर्स है तो आप 5वें सेमेस्टर में आ रहे हो चौथा देके, या आप 6वें सेमेस्टर वाले बच्चे हो, और अगर आप 4 साल के डिग्री कोर्स में हो, जैसे BTech होती है, तो आप जब 6वां सेमेस्टर खत्म कर लोगे तो आप 7वें में आ जाओगे, है ना। तो जो भी बच्चे फाइनल ईयर में घुस रहे हैं वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं, ओके। एक तो हो गई ये क्लैरिटी, अब एज वाइज कैसे आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, तो जुड़े रहना मेरे साथ। देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की, उसके बारे में बात करते हैं। अब अप्लाई कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात, अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पे बेटा, upsconline.nic.in पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए एक चीज तो हो गई तुम्हारी ये, दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो है मॉडिफिकेशन इन OTR। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, इसको बोलते हैं OTR, और OTR में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो 11 जून तक। 11 जून को आप लास्ट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप UPSC का कोई एग्जाम पहली बार दे रहे हो ना, तो आप उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा UPSC के लिए। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, आपने सारा बेसिक इन्फो, नाम नंबर ईमेल आईडी पता वता सब डाल दिया, अपने पेरेंट्स की डिटेल, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। जब आप अगली बार फॉर्म भरोगे ना, तो आपको अगली बार के लिए नहीं करना पड़ेगा, वो डेटा वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो वो भी मैं भर के दिखाऊंगा आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोज में कि कैसे फॉर्म को भरना है। अभी बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो 5 जून से लेके बेटा मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अदर देन OTR प्रोफाइल 5 जून से 11 जून तक होगा, और OTR में अगर आप कर रहे हो तो 11 जून तक कर सकते हो। इसके नीचे अगर मैं चलूं तो इसके नीचे कुछ नहीं है, अगला पेज है। ये हो गई एक चीज, एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो गई, तो एक बार आपने एप्लीकेशन अगर सबमिट कर दी तो आप जो है वापस उसको वो नहीं कर सकते हैं, क्या विड्रॉ नहीं कर पाओगे। एक बार सबमिट हो गई तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब यहां पे क्या है, ये वाली बात हो गई, शुड हैव डिटेल्स ऑफ 1 photo ID card, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, DL या कोई और फोटो आईडी जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो आपको वहां पे डिटेल डालनी पड़ेगी और वही आपको एग्जाम में ले जानी पड़ेगी, है ना। और SSB में भी वही आईडी, जो आईडी आप डालोगे ना, जिस आईडी की डिटेल डालोगे आपको, वही आईडी SSB में ले जानी, वही आईडी एग्जाम सेंटर पे ले जानी, क्योंकि वो वेरीफाई और क्रॉस चेक होती है, ठीक है। ये बात समझ गए तुम लोग। अब आती है मेन मुद्दे की बात कि भैया लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया कि 4 जून टिल 6 PM, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, 4 जून 2024 टिल 6 PM आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। पर तुम्हें वेट नहीं करना कि सर 4 जून को ही फॉर्म भरेंगे, अभी नोटिफिकेशन 15 तारीख को आए, 20 तारीख तक भर के खत्म करो, तैयारी करना चालू करो, फॉर्म तो भरने में इतना मुद्दा नहीं है, कोई इशू आएगा तो मैं हूं, मेरे से पूछ लेना, ठीक है।
पेनल्टी फॉर रॉन्ग। बच्चों देखो, ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो देर इज अ नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, इसके बारे में विल टॉक ऑन लेटर, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब आते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यूपीएससी का जो पेपर है आपको उसमें ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाना है, काले कलर का बॉल पेन ले जाना है, उसी से आपको ओएमआर भरनी है। जब आप ओएमआर में बबल भरते हो ना, जैसे मान लो ये गोला है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको कैसे ले जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट। अब मैं यहाँ पे, अब मेरे पास तो कलर का ऑप्शन है तो मैं चूज कर लेता हूँ, तो कैसा ले जाना है, यूपीएससी खुद बोल रही है ब्लैक पेन। कैसा पेन? बॉल पेन। जेल पेन मत ले जाना, वो पेपर को गला देता है। तो गोला भरोगे ना जब, तो बाहर से अंदर की तरफ भरना होता है, और ऐसे करके गोला आप आराम से भर लोगे, ब्लैक पेन से ही भरना है, नीला वीला अलाउड नहीं है। तो यूपीएससी का जब साफ तौर से कहना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्लैक पेन का यूज आपको करना है वहां पे, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने भरा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज होगी समझने वाली। आगे के पेज पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पेज सेज, ये हो गई मेन मुद्दे की बातें, ये हो गई कि कब से कब चालू है, कब फॉर्म भरा जाएगा, खत्म कब होगा। अब आ जाओ अगली बार गाइडलाइंस। यहाँ पे मोबाइल फोन बैन है, कोई भी डिजिटल डिवाइस आप नहीं लेके जा सकते, ये सब चीजें बैन है। अप्लाई ऑनलाइन कहाँ पे करना है, यूपीएससी ऑनलाइन, ये ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और कौन सी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in, ये www तो आगे लगता ही है, इस पे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई हियर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये बेटा लिंक भी मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू दोनों का सारा वहीं से उठा लेना और अप्लाई कर देना फटाफट, कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना। चल ओके, ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ऑफलाइन नहीं होता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात, कि भाई मुद्दा तो सारा यही है कि सीटें की संख्या कितनी है। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी चीज जानने वाली, हालांकि सीटें हैं 459 टोटल, और किस तरीके से बायफर्केशन किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाहूंगा। देखो, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, एग्जाम की डेट भी पता है आपको, एग्जाम की डेट क्या है, 1 सितंबर। एग्जाम की डेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम की डेट देखो यहाँ पे दे रखी है बेटा, कितनी है, 1 सितंबर 2024। अच्छा बाय द वे, अगर तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हें मदद चाहिए, इफ़ यू वांट टू कम एंड टेक माय हेल्प, मैंने 5 बार यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम खुद क्वालिफाई किया है, 5 CDS मैंने खुद पास किए, 8 FGAT पास किए। अगर आपको एग्जाम में मदद चाहिए आप मेरे पास आ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मेरा नंबर निकाल लेना, या फिर आपको सोशल मीडिया पर सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने जो वीडियो की शुरुआत में अपना नंबर दिया था उस नंबर में मुझे व्हाट्सअप करना, भैया मुझे बैच ज्वाइन करना है। मेरा बैच मैंने 6 मई से चालू कर दिया था, लगभग 18 क्लास हो चुकी है, एक दिन में 3 लेक्चर होते हैं, रात को 8 से 10 क्लास चलती है। तो वर्स पर्सनल हैंडहोल्डिंग ज़्यादा बच्चे में लेता नहीं हूँ, लिमिटेड अमाउंट में बच्चे हैं। सुपर 50 नाम ही इसलिए है, उस बैच का नाम क्या है, सुपर 50। सुपर 50 इसलिए कि उसमें 85 बच्चे पढ़ाऊंगा मैं एक टाइम पे मैक्सिमम। सुपर 50 है, अपने ऐप पे क्लास होती है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है, प्लस मेरी पर्सनल हैंडहोल्डिंग और SSB की गाइडेंस भी मिलती है, बैच फ्री है वो भी, ठीक है। तो सुपर 50 में आना है तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है फटाफट कि भैया मुझे तैयारी चालू करें। अब देखो नोटिफिकेशन आ गया, तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं बचा, कितने दिन है, आधी मई गई, मई आधी, जून जुलाई अगस्त, 3.5 महीने हैं आपके पास। 3.5 मंथ्स में अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं तो आप आ जाना मेरे पास, तुम्हारा जो भी बेस होगा उसको मैं बनाऊंगा, 0 से लेके एक सर्टेन लेवल तक जाएंगे, और तुम्हारे हिसाब से सारी चीज़ें कस्टमाइज मेरे को करनी पड़ती हैं, 1-to-1 होता है सब कुछ। तो मेरे बच्चे भी उसी तरीके से एग्जाम पास कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को कुछ कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, पर अगर तैयारी चालू करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। चलो, IMA में 100 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं बेटा, IMA में इंडियन मिलिट्री अकेडमी का 159 डायरेक्ट एंट्री कोर्स है जो जुलाई 2025 में कमेंस होगा, ठीक है। और इसमें 13 वैकेंसी NCC सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग वाले बच्चों के लिए, तो 100 सीटें IMA में, इंडियन नेवल अकेडमी 2025 जुलाई का ये भी कोर्स है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस हाइड्रो इंक्लूडिंग 6 वैकेंसीज फॉर NCC सी सर्टिफिकेट नेवल विंग होल्डर्स। अच्छा, यहाँ पे एक देर इज अ क्रंच पॉइंट, अब बताऊंगा क्या है, पहले सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स जुलाई 2025 का कोर्स है, इसमें 218वां फ्लाइंग पायलट कोर्स है ये, और इसमें 3 वैकेंसीज हैं। NCC सर्टिफिकेट एयरविंग होल्डर के लिए सिक्योर्ड है, 32 सीटें यहाँ पे भी। OTA मैन 122वां OTA मैन SSC NT जो कि अक्टूबर 2025 में कमेंस होगा, 276, ये बॉयज की सीटें हैं, 276, 276 सीटें लड़कों की OTA में हैं। और OTA चेन्नई में 36 SSC वोमेन नॉन टेक, 1 सीट बढ़ गई है, पिछली बार 18 थी, इस बार 19 सीटें हैं।
ये वोमेन की है, यानी गर्ल्स कैन अप्लाई और 19 सीट। लड़कियों के लिए टोटल सीडीएस में कितनी सीटें हैं इस बार, 19 सीटें हैं गर्ल्स के लिए। अब कंपटीशन देख लो लड़कियों, जो लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी मैं तुमको बोलूंगा 19 सीटें, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो कोई चांस नहीं कि तुम्हारा पेपर निकलेगा। लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, मेरे बैच के बच्चों को मैंने पढ़ते हुए देखा है, देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो लड़की मेरे पास आती है, उसने ढाई महीने से लेकर पौने तीन महीने में अपना एफकैट निकाल दिया था और वो इस बार सीडीएस भी निकाल देगी। अभी सीडीएस की तैयारी अभी वो चालू करेगी और एसएसबी में जाके, हालांकि वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई, बट मेहनती मेहनत करते हैं बच्चे। अगर ये सीटें आपको दिख रही हैं ना, इस पर लड़कियाँ 100 आसपास 19-20 सीटों पर 100 लड़कियाँ रिकमेंड होती हैं, यानी बच्चे पढ़ते बहुत हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ने से मेरा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो अब आते हैं वापस कि आईएमए के लिए आपकी कोई सी भी ग्रेजुएशन चल जाएगी, एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन विल वर्क, चाहे बीटेक है, बीए है, बीएससी, एनी ग्रेजुएशन विल डू। इफ यू वांट टू जॉइन नेवी, आईएनए का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बीटेक चाहिए, यू नीड अ बीटेक डिग्री। इंडियन नेवल अकेडमी केवल बीटेक वाले बच्चे हैं जो 32 सीटों के लिए कम्पीट करेंगे, बीटेक वाले ये भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे बीटेक चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स मैथ होना चाहिए। मेरे को बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मुझे पायलट बनना है, अरे भाई जब तुम्हें पायलट बनना था ना तुम्हें फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए था कहाँ पे, 12th में। ग्रेजुएशन में हो सकता है तुमने बीए करी हो, बीएससी करी हो, कुछ भी करी हो, या बीटेक भी करी हो, एनीथिंग यू हैव डन, बट यू शुड हैव फिजिक्स एंड मैथ एट 10+2 लेवल, आपके पास ये होना चाहिए फिजिक्स एंड मैथ 10+2 लेवल पे। ओटीए के लिए कोई सी भी ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन विल वर्क, एनी, और इसके लिए भी एनी काइंड ऑफ ग्रेजुएशन विल वर्क, ओटीए वुमेन के लिए भी, ठीक है। तो ये है कहानी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टोटल सीटों की संख्या है बच्चों 459, टोटल सीटें कितनी है बच्चों 459, 459 आर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। नाउ आगे बढ़े अगर हम इसमें, तो थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, आगे की तरफ चलते हैं। ये सीटों के बारे में तुम्हें पता लगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें पता लगा, तो प्री फाइनल ईयर वाले बच्चे जो हैं, जो 5वें-6वें सेमेस्टर में, और जो बीटेक के 7वें-8वें सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल है, वो सारे बच्चे भरेंगे, दिक्कत आएगी ये नंबर रहा, इस पर बात कर लेना मेरे से। चलो ठीक है, डेट एग्जाम की दे ही रखी है, और क्या है यहाँ पे जो नोट है, अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और कुछ जानने की जरूरत तो है नहीं। अब आगे के पेज पे चलते हैं, वुमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड, ये वाला मैं अगर यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ चलो थोड़ा सा तुम लोगों के लिए, वुमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, लड़कियों को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, फॉर द टाइमिंग अभी यही है, ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी आपको ओटीए में शॉर्ट सर्विस कमीशन, उनका एक ही चॉइस होता है ओटीए चेन्नई। जो बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी पहली चॉइस है, उनको सीपीएसएस उनको देना पड़ेगा, जिसको पीएबीटी भी बोला जाता है, एएफसीएमई में होगा या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में होगा। आप ये एएफए की जो फ्लाइंग पायलट है, केवल पायलट लिए जाते हैं सीडीएस से फ्लाइंग में, ठीक है, एएफए में। तो इस तरीके से आपको ये कहानी कुछ है ना। तो इसके बारे में और तो कुछ बताने की जरूरत मुझे लग नहीं रही कि जरूरी है, ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, अब आते हैं आगे, पेपर पास करना है पहले, तो बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन ये है, तो मोटी मोटी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। आगे अगर चलूँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मेजरली हर सिटी में होता है एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ नेपाल, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दे की चीज़ पे, तो मुद्दे की चीज़ जो है वो ये है, सारी अकेडमीज का मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखो, ये तुम्हें ध्यान से समझना है, ये वाली चीज़ ध्यान से समझना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट अगर तुम लेना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लगभग तुम्हें 14 मिनट के आसपास वीडियो में मिलेगा। क्या है एज लिमिट, जेंडर यानी कि सेक्स और मैरिटल स्टेटस। आईएमए के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो कि अनमैरिड मेल हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ फॉल कर रही है 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में, 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है वो सारे बच्चे आईएमए के लिए एलिजिबल हैं। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2006, सेम एज ऑफ आईएमए। एएफए के लिए 20 से 24 साल होती है एज ऑन 1 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक,
2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के बच्चे। इसमें जो सीपीएल, जो सीपीएल वाले लोग हैं जिनको, जिन्होंने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लिया हुआ है, उनको एग्जेम्पशन मिलता है। लगभग उनको 26 साल तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है, पर उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमेरिड, अनमेरिड होने चाहिए, शादीशुदा लोग एलिजिबल नहीं है। मैरिज ट्रेनिंग के दौरान कर नहीं सकते, नहीं तो आप अकेडमी से भगा दिया जाएगा आपको। ओटीए के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो ध्यान से सुन लो, अनमेरिड मेल कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2000 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2006, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल कर रही है 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में, तो आप ओटीए के लिए एलिजिबल हो। गर्ल्स के लिए क्या है, 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2006, सेम इज द ये केस है जो आपका लड़कियों के लिए है भाई, यही सेम चीज आपकी गर्ल्स के लिए एलिजिबल हो रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तो मैंने एज का लिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जानने वाली। 10th की मार्कशीट में जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है बेटा, वही आपकी एलिजिबल होगी। अब मैं फटाफट आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और क्या है जानने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने IMA का बताया कि डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल वर्क, IMA के लिए आपकी कोई सी भी डिग्री चल जाएगी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कोई सी भी डिग्री, ठीक है, एनी डिग्री विल वर्क। थोड़ा सा जूम कर लेना अपनी स्क्रीन को। INA के लिए BTEC चाहिए, डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एयर फोर्स अकेडमी के लिए विद आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ भी होना चाहिए 10+2 पे, या फिर आपके पास BTEC होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTEC, ठीक है। ग्रेजुएट जिनकी पहली चॉइस आर्मी नेवी एयरफोर्स है, उनको प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन या प्रोविजनल देना पड़ेगा जब आप SSB इंटरव्यू पे जाओगे। ये हो गई मुद्दे की बातें। IMA में जाने के लिए आपको 13 मई 2025 से पहले पहले देना पड़ेगा, OTA के लिए आपको 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले देना पड़ेगा। अब फिजिकल फी क्या है, 200 रुपये इस एग्जाम की फीस कितनी है, 200 रुपये एग्जाम की फीस है, सबके लिए फीस लगती है, फौज किसी के साथ डिफरेंशिएशन नहीं करती कैटेगरी वाइज, सब में फौज में सब समान है सब भाई, 200 रुपये फॉर्म की फीस है, ऑनलाइन आप पे कर सकते हो UPI के माध्यम से या SBI बैंक में जाकर चलान भी जमा कर सकते हो। ये हो गई एक चीज़। अब एक बार आपने पैसा जमा कर दिया तो वापस नहीं होगा, कोई रिफंड नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, upsconline.nac.in पे आपको अप्लाई करना है, OTR बनेगा, OTR आपका बन चुका है तो आप बस अप्लाई कर दो डायरेक्ट जाके, यही सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आगे चलता हूँ तो मैं अब आपको बताऊँगा मुद्दे की बातें। लास्ट डेट है आपकी 4 जून 6 बजे तक, है ना, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट ये सब बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस भी देती है। अब देखो तीन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैं बात करता हूँ कि आपको अगर आपको एग्जाम पास करना है तो अगर आपको IMA नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी जाना है तो 3 पेपर देने पड़ेंगे, इंग्लिश GK मैथ। इसका कोड 11, कोड 12, कोड 13, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, 100-100 मार्क्स के पेपर होते हैं। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, GK में भी 120 क्वेश्चन आते हैं और मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों में 120 आते हैं, मैथ में 100 आते हैं, ठीक है। पर ये परमानेंट कमीशन वाला सिस्टम है। अगर आप OTA ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश और GK का पेपर देने पड़ेगा, दोनों पेपर 2 घंटे के हैं और दोनों पेपरों में 120 क्वेश्चंस आते हैं, कट ऑफ उसके हिसाब से होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 10th लेवल का एग्जामिनेशन है, 10th का जो 10th के बच्चे पढ़ते हैं वही सारा सिस्टम है। GK के बारे, इंग्लिश के बारे में कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैनशिप लाइक यूजेज ऑफ वर्ड, यानी UPSC देखो तो मैं कितना क्लैरिटी के साथ बोल रही है कि भाई साहब कॉमन सेंस बेस्ड इंग्लिश आती है, पर इसके लिए भी दम लगती है, आप मेरे बैच में आके पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने जैसे कि इस बार बताया था कि रूट वर्ड्स याद किया करो, वोकैब काम आती है, तो रूट वर्ड वाले 20 सवाल वहाँ पे दिखे थे। मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ाता हूँ, हर चीज़ के बारे में, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ मैं बताता हूँ, उसी से उनकी हेल्प हो पाती है। अगर आप उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो बस एक ही सॉल्यूशन है, डिफेंस एग्जाम मास्टर का पेड बैच ज्वाइन करके आप तैयारी करना चालू करो। इधर उधर कहीं भी जाओगे आपको ना तो उस तरीके की सपोर्ट मिलेगी, ना आपको उस तरीके का गाइडेंस मिलेगा, ना कंटेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट और टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड कि करना क्या है। नाउ GK कोड नंबर 2 है इसका, कोड नंबर 02। GK में बेटा क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ सच मैटर्स, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ गए, GS भी आ गई और आपकी साइंस भी आ गई और करंट अफेयर और सब कुछ आ गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ नेचर, एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट, मैथ वही अरिथमेटिक एलजेब्रा और तुम देखो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, ये हो गया। और आगे बताऊं तो मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, इंटेलिजेंस एंड ये यहाँ तक आपका मैथ का सिलेबस हो गया। अब ये मैथ का बेटा पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना, मैथ का जो पूरा सिलेबस है आपका, दैट इज ऑफ 10th का लेवल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन में पूरा डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पूरा 10th बेस्ड है।
क्या है, मैट्रिकुलेशन, यानी टेंथ वाला लेवल है पूरा का पूरा पेपर में जो मैथ्स है वो टेंथ लेवल का है। जीके जीएस एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो वो भी टेंथ वाली। मेरी डिटेल वीडियो आएगी कि सेल्फ स्टडी से सीडीएस कैसे निकलेगा, हालांकि उस वीडियो में जो मैं कंटेंट आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन से एनसीईआरटी का कौन सा क्या करना है, आपको 2-2.5 साल लग जाएंगे उसको कवर करने में, पर अगर आप उसको शॉर्टकट करना चाहते हो तो आप मेरे बैच में आकर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एसएसबी वाली है यार, इंटेलिजेंस एंड स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हो। फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के यहाँ पे कुछ ज्ञान वाली बातें दे रखी हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो बस यही है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव है। सीडीएस के पेपर में क्या नेगेटिव होता है, 1/3 नेगेटिव होता है। कितना नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव होता है सीडीएस में, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब जिसने दिया है सीडीएस वही आपको पढ़ा पाएगा ढंग से, ये बात का भी याद रखना। नाउ ये ओएमआर है, इस तरीके से कुछ चीजें हैं, और मेरे हिसाब से अभी तुम्हें यही जाना। अच्छा, इसमें बीएमआई चार्ट भी दे रखा है। बच्चे मेरे को बहुत बार मैसेज करके पूछते हैं भैया हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए, तो लड़कियों का अलग होता है हिसाब बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, और लड़कों का अलग होता है। तो इसमें एक चार्ट दे रखा है इस नोटिफिकेशन में ही, देख लेना अगर तुम फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। एज रेंज दे रखी है यहाँ पे, एज ग्रुप, और ये आपका हाइट और ये वेट इन केजी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों चेक कर लेना। अगले पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे भी वही है कहानी, विजन के बारे में बातचीत करी गई है, आप देख लेना एक बार। फिर मेडिकल के बारे में बात करी है, मतलब यूपीएससी पूरा देती है यार, ठीक है। हाइट वेट चार्ट दे रखा है नेवी का, और आर्मी नेवी एयरफोर्स का सबका दे रखा है। अब ये मेडिकल की चीज़ें हैं, ये आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, फ्लाइंग के लिए या इतना सिटिंग लैग लाइन, मतलब फ्लाइंग का थोड़ा सा डिटेल होता है। अब मेरे हिसाब से और तो कुछ चीज़ें ऐसी है नहीं जो मुझे तुम्हें इसमें बतानी है। अब मेन मुद्दे की बात है कि तुम तैयारी करना चालू कर दो भाई, ठीक है। ये सारे के सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू बेसिकली व्हाट मेडिकल्स, ठीक है। नाउ अब आते हैं मुद्दे की बात पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो काम की चीज़ है वो है, अब जो चीज़ है वो है काम की चीज़ है ये। अब ये क्या है तुम बोलोगे, भैया ये क्या है, ये है सुपर 50 का बैच। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, मेरा सुपर 50 का बैच ऑलरेडी चालू हो चुका है, तो आप आ सकते हो। जो भी क्लास आपकी अभी तक मिस हुई है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। जो क्लास तुम्हारी मिस हो गई उनकी मिल जाएगी क्या बेटा, रिकॉर्डिंग। अब देखो इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है कि भैया आई वांट टू एनरोल इन सुपर 50 का बैच। ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, भाई और बहनों आप कहीं पे भी देख रहे हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि शिवम भैया मैं आना चाहता हूँ, या शिवम सर मैं आना चाहता हूँ सुपर 50 बैच में एनरोल कर लो। आपको हर दिन 3 लेक्चर मिल रहे हैं, एनडीए में मैं जीएटी कवर कर रहा हूँ, और सीडीएस में मैं 3 सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, इंग्लिश जीके मैथ सब कुछ। लिमिटेड बच्चों की संख्या है तो रिजल्ट इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हम हर बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो पढ़ाता मैं ही हूँ सारे सब्जेक्ट्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यू विल बी इन कॉन्स्टेंट टच विद मी। नाउ कौन कौन से बैचेस हैं, अच्छा एफ कैट का नोटिफिकेशन अगले महीने आएगा, पर मैंने एफ कैट का तेजस बैच के बच्चे अभी तक इनरोल्ड हो चुके हैं उसमें भी, तो ये एफ कैट के बैच में आप आ सकते हो। आप ये जीएटी का बैच है, एनडीए का त्रिशक्ति बैच जिसको मैं बोलता हूँ, ये आपका सीडीएस आईएमए का बैच है अर्जुन बैच, इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये ओटीए का बैच है सीडीएस का, ये गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स कैन ज्वाइन दिस बैच सीडीएस ओटीए का, एंड इसको कॉम्बो किया जा सकता है एफकेट के साथ। इन दोनों की फीस अलग अलग होती है, बट कॉम्बो में कम पड़ती है। आईएमए को भी कॉम्बो कर सकते हो आप एफकेट के साथ, क्योंकि सारे लड़के जो आईएमए का पेपर देते हैं वो एफकेट के लिए एलिजिबल होते हैं अगर उनकी 60% अबव है तो। अच्छा, सीडीएस के अंदर परसेंटेज बार नहीं है, 33% वाला बच्चा भी सीडीएस दे सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे कुछ बैचेस हैं, और इसके अलावा और मैं बताना चाहूँ तो भाई यही थी कहानी। मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, तो नंबर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में से भी नंबर निकाल सकते हो, मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं से तुम ढूंढ लोगे। सबको मैंने नंबर दिया है, वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे आपको नंबर मिल जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेटा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने मेजरली जितनी भी चीज़ जानना जरूरी थी नोटिफिकेशन में आपको बता दी, आई होप तुम्हें मजा आया। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए आप जुड़े रहें डिफेंस एग्जाम मास्टर से। मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून।